गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉर्ड कैनिंग के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था और 1 नवंबर 1858 से ये एक्ट प्रॉपरली फॉलो किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी इंडिया की, वो इस एक्ट से ले ली गई और सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो गाइज इसीलिए इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल कर रही थी, लेकिन इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स ले ली गई और ब्रिटिश क्राउन इंडिया पर रूल करने लगा। तो गाइज अब इंडिया पर कौन रूल करेगा? ब्रिटिश क्राउन। इस एक्ट में इंडिया की गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन बन गई। अब इस एक्ट के क्या क्या टर्म्स थे उसे समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जो पावर्स थी, वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास चली गई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही BOC और COD की पावर को यूज करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट इसलिए बनाई गई थी जिससे कि इंडिया पर प्रॉपरली रूल किया जा सके। नेक्स्ट है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बना दी गई थी और इस काउंसिल के 50% मेंबर की ये एलिजिबिलिटी थी कि वो एटलीस्ट 10 इयर्स इंडिया में स्पेंड कर चुके हों। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के पास ये राइट था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से इंडियन मैटर्स में क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट वायसराय की पोस्ट में कन्वर्ट कर दी गई। वायसराय का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधि। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास फुल फ्रीडम थी, लेकिन वायसराय के पास फुल फ्रीडम नहीं थी क्योंकि वायसराय ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर था। वायसराय ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था। तो गाइस लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वायसराय कौन बना? तो उसका आंसर भी होगा लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो गाइज ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में आया था 1858 में, जिससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय में कन्वर्ट हो गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स खत्म होकर सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो गाइज ये था लॉर्ड कैनिंग का पार्ट सेकेंड, जिसमें हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।